सोलन की सजग पुलिस की वजह से शहर में नशे के काले कारोबार पर नकेल लगनी आरंभ हो चुकी है। प्रत्येक दिन सोलन पुलिस नशे का कारोबार करने वालों की दर पकड़ रही है और उनकी असली मंजिल सलाखों के पीछे तक पहुंचा रही है। अब सोलन पुलिस का इन कारोबारियों पर काफी खौफ देखा जा रहा है। पुलिस को देखते ही ये लोग घबराकर भाग खड़े होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से पुलिस के हाथ आ जाते हैं। ऐसा ही वाकया सोलन के शांति में हुआ, जहां पुलिस गश्त कर रही थी। पुलिस को देखकर उसके मुंह की रंगत उड़ गई। पुलिस ने शक के आधार पर उसकी जांच की तो उसके पास से चिट्ठा बरामद हुआ, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये जानकारी SHO धर्म सिंह नेगी ने दी। अधिक जानकारी देते हुए सोलन के थाना प्रभारी धर्म सिंह नेगी ने बताया कि गश्त के दौरान एक युवक, जिसका नाम अजीत राणा है, वह बुरी तरह से घबरा गया, जिसकी शक के आधार पर जांच की गई तो उससे 5.39 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि युवक पहले भी चिट्टे के कारोबार में पकड़ा जा चुका है और काफी समय से शांत था, लेकिन इस पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई थी। जैसे ही पुलिस को इस पर शक हुआ तो उन्होंने इसे दर दबोचा। उन्होंने बताया कि आरोपी अजीत राणा को पकड़ लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमारी पुलिस की एक टीम गश्त पर थी तो इन्होंने श्यामती, जहाँ काली माता मंदिर है, उसके पास एक युवक वहाँ बेंच पर बैठा मिला। जो युवक अजीत राणा है, ये पहले भी जो है चिट्टे के केस में पकड़ा जा चुका है, इस पर पहले संदेह था। अब काफ़ी दिनों से ये शांत बैठा था, लेकिन जब कल पुलिस टीम वहाँ उसको देखा, थोड़ा उसको पूछने लगे तो हड़बड़ा सा गया और डाउट पड़ने पर इसको थोड़ा पूछा कि उसके किसी चीज़ को छुपा रहा था, एक बैग सा। उसको जो हमारी पुलिस टीम ने वहाँ के लोकल गवाहों को बुलाकर उनके सामने जब उसके बैग की तलाश ली तो उस बैग के अंदर पुलिस को जो है 5.39 ग्राम हीरोइन जो इसे बरामद हुई। ये युवक अजीत राणा जो है पहले भी थाने में ही जो NDPS के केस में इन्वॉल्व रहा है। अब हमारे लिए जो हमारे ऑफिसर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से ये विशेष आदेश हुए हैं कि भाई जो कुछ भी हो यथासंभव प्रयास करना है ताकि हमारे अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो है हमारे युवाओं को नशे से बचा सकें। और जैसे चिट्टा ये खतरनाक किस्म का नशा है, इससे हमारे नौजवान जो है काफ़ी हद तक बर्बाद हो रहे थे। काफ़ी हद तक हमने इस पर कंट्रोल पाया, लेकिन जैसे ही जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब से दोबारा ये जो कुछ शुरू होने सिर उठा रहे हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम नशे के खिलाफ जो अभियान सरकार की तरफ से, हमारे ऑफिसर की तरफ से जैसे डायरेक्शन है, उसकी पालना करते हुए हमने ये अभियान चलाया है और आगे भी हम चाहते हैं कि भाई ये अभियान जारी रहे और आप लोगों का, स्थानीय लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, आगे भी ये मिलता रहे।